सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आज जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत लगातार आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया गया। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाना है। इसमें हर घर तिरंगा का अभियान है, हर घर लगना है तिरंगा इसमें, और हम लोग इसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है हमने, और इसमें अंतर्गत हमने तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, घर घर जागरूक भी किया है, और 14 अगस्त को हमने इसको मौन दिवस के रूप में मनाया है, विभाजन दिवस का दिवस के रूप में मनाया है, स्मृति दिवस के रूप में मनाया है। जो हमारे विगत में विभाजन हुआ था उसमें कम से कम हमारे हिंदुस्तान और भारत देश की लगभग 5 लाख से 10 लाख मौतें हुई थी, उसको हमने स्मृति दिवस के रूप में मनाया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और मौन जुलूस निकाल कर भी उसको हमने मनाया। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? जाहिर है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, और अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमारे देश को चाहिए कि वो तरक्की पर नज़र जमाए और एकता बनाकर देश की तरक्की में आगे बढ़े, इस देश की खूबियों को बयान करे। साल में 365 दिन होते हैं, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कोई टकराव नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ देश की बात होनी चाहिए, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, देश के गुणगान होना चाहिए। जैसे मैं ये 6 पंक्तियां अर्ज करता हूँ, पर्वत की दिलकशी हो, दरिया की हो रवानी, झीलों की हो खामोशी, झरनों की नगमा ख्वानी,
कुदरत की नेमतों से फसलों का रंग धानी, महका हुआ हु गुलशन बागे रंग का सानी, किस देश में है बोलो इतना हसी नजारा, सब झूम कर कहेंगे करते हुए इशारा, मशहूर है जहां में हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ऐसा देश दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इतनी खूबसूरतियां भरी हों। ये भारत देश हमारा है, इसको हमें और खूबसूरत बनाना है, और वो तभी मुमकिन है जब सारे भारतीय एकजुट होकर देश की तरक्की, देश के निर्माण में लग जाए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।